वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास वीवो का Y12 मॉडल फ़ोन आया हुआ है जिसमें प्रॉब्लम है गाइस। जैसे इसको चार्जिंग प्लगिंग करते तो ये फ़ोन ऑन होता है और ऐसे मोड पे जाता है, और जैसे इसको चार्जिंग रिमूव करते तो ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो ऐसे फ़ोन को किस तरह ठीक करना है, चलो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। पहले गाइस इस फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। गाइस अगर आप लोग के पास भी ऐसे प्रॉब्लम के कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं तो गाइस ऐसे प्रॉब्लम को किस तरह ठीक करना है मैं इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है, जैसे इसको चार्जिंग प्लगिंग करते हैं और पावर बटन प्रेस करते हैं तो गाइस ये फ़ोन जो है बूट मोड पे चले जाता है, मतलब जहाँ से गाइस हमारा फ़ोन फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे गाइस पहले प्रॉब्लम ये है कि ये मतलब फॉर्मेट मोड पे जाता है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि गाइस इसमें जैसे चार्जिंग प्लगिंग करते तो ये फ़ोन ऑन होता है और जैसे इसको चार्जिंग रिमूव करते तो ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। ऐसे प्रॉब्लम के फ़ोन गाइस आप लोग के पास ऑलमोस्ट हमेशा आता रहेगा कि चार्जिंग प्लगिंग करो तो वो फ़ोन ऑन होता है और चार्जिंग जैसे रिमूव करोगे तो वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम में गाइस जो फ़ोन में होता है वो हमारा बैटरी का होता है। अगर आप इस बैटरी को रिप्लेसमेंट कर दोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो फ़ोन आपका बंद हो रहा है, मतलब चार्जिंग प्लगिंग करने के बाद ऑन हो रहा है और चार्जिंग रिमूव कर रहे हैं तो वो बंद हो जा रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम में गाइस ये फ़ोन का जो होता है बैटरी का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे ये फ़ोन को मैं बैटरी को रिमूव मतलब रिप्लेसमेंट नहीं करूँगा, इसी बैटरी को रिपेयरिंग करूँगा, और इसमें क्या रिपेयरिंग करूँगा ये वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा। तो फ़ोन को मैं वापस से चालू करता हूँ। यहाँ पर मैंने स्ट्रिप वगैरह निकाल के वापस लगा के चेक किया हूँ सफ़ा वफ़ा करके। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो मैंने जैसे ऑन ऑफ की का स्ट्रिप निकाला हूँ तो ये फ़ोन जो है हमारा अभी ऑन नहीं हो रहा है। जैसे इसको हम लगाएंगे और पावर बटन प्रेस करेंगे तो ये फ़ोन हमारा कंप्लीट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका स्ट्रिप को रिमूव कर देता हूँ। तो अभी फ़ोन मेरा चालू होएगा और चालू करके आप लोग को दिखाता हूँ, ये फ़ोन कंप्लीट चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गाइस इसका जो प्रॉब्लम है वो हमारा एक तो वैल्यूम के बटन का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा वैल्यूम बटन ख़राब है जो हमारा फ़ोन बूट मोड या हार्ड रीसेट मोड पे चले जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस ये फ़ोन में दो प्रॉब्लम है, और दोनों प्रॉब्लम को मैं किस तरह रिपेयरिंग करूँगा इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी गाइस मैंने फ़ोन को ऑन किया हूँ और इसका ऑन ऑफ की का स्ट्रिप को निकाल दिया हूँ, और देखते गाइस ये फ़ोन कंप्लीट हमारा ऑन होता है कि नहीं। तो कभी भी गाइस ऐसे प्रॉब्लम के जो फ़ोन आते हैं आपके पास तो देख सकते गाइस अभी भी जो है ये सेम रीजन यहाँ पर बता रहा है। मैंने ये खाली अभी स्ट्रिप मैंने लगा के रखा है, निकाला नहीं है, मैं खाली चेक कर रहा था। यहाँ से फ़ोन को मैं रिस्टार्ट मारूंगा और वापस से ये स्ट्रिप को मैं बाहर निकाल के अब भी चालू करके चेक करके देखते कि ये फ़ोन हमारा ऑन होता है कि नहीं। तो मैंने अभी ये ऑन ऑफ की का स्ट्रिप बाहर निकाल दिया हूँ, और देख सकते गाइस ये कंप्लीट फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। तो इसमें जो गाइस प्रॉब्लम है ऑन ऑफ की का भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये दो प्रॉब्लम फ़ोन में आपको मैंने बता दिया है, और जैसे इसको चार्जिंग से अभी मैं रिमूव करूंगा ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो देख सकते हैं अभी ये फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। तो पहला प्रॉब्लम हमें इसे ठीक करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है ये ऑन ऑफ की का स्ट्रिप निकाला था जो फ़ोन हमारा ऑन हो गया था। तो यहाँ पे गाइस मैं इस बैटरी को बाहर नहीं निकालूंगा, हल्का सा यहाँ पर कटिंग करूँगा, और कटिंग करके गाइस ये जो हमारा एक डाइवर्ट को हम जम्फर मारते हैं वो डाइवर्ट को जम्फर मार देंगे। यहाँ पर देख सकते ये ब्लैक कलर का एक नज़र आता है, उसे शोल्डर से आपको निकाल लेना है, और निकाल के वापस से आपको गाइस वहाँ पे जो है जम्फर मार देना है। और ये जो फ़ोन आपका चार्जिंग प्लगिंग करने से ऑन होता है और चार्जिंग रिमूव करने के बाद बंद हो जाता है, ये प्रॉब्लम आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बैटरी को रिप्लेसमेंट नहीं करूँगा, इसी बैटरी को रिपेयरिंग करूँगा। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि वो जो आपको रजिस्टर है या डाइवर्ट है उसको किस तरह मतलब आपको जम्फर मारना है। तो यहाँ पर जो है मैं ये पहले ये बैटरी के स्ट्रिप को एकदम सेफ्टी से निकालना पड़ता है, क्योंकि गाइस ये जो थोड़ा नाजुक होता है। तो यहाँ पे गाइस ये फ़ोन की बैटरी चार्ज नहीं है, मैंने ये बैटरी को पूरी तरह से उतार दिया हूँ। कभी भी गाइस आप लोग कोई भी बैटरी का डाइवर्ट अगर ये शॉर्ट करते हो तो आपको बैटरी को काफ़ी सेफ्टी रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो गाइस ये जो है बेकार होता है, मतलब प्रॉब्लम आ जाता है इसको शॉर्टिंग करने में। अगर गाइस ग्राउंड से अटैच होगा तो बैटरी ब्लास्ट हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये शोल्डर से पहले जो है ये डाइवर्ट को निकाल लेता हूँ, और निकाल के यहाँ पे एक जम्फर मार दूंगा तो जो ये फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो जाता है, ये प्रॉब्लम हमारा 100% यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको जो है वो डाइवर्ट के पास थोड़ा सा शोल्डर रखना है थोड़ी देर के लिए,
वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं इसे मैंने बाहर निकाल दिया है। और अभी यहाँ पे जो है आपको एक वायर लेना है, वो वायर से आपको इसे आपस में शॉर्ट कर देना है। तो ये फ़ोन हमारा कंप्लीट। जैसे ही पावर बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑन रहेगा, स्विच ऑफ नहीं होएगा। नहीं तो ये जो प्रॉब्लम था हमारे पास चार्जिंग प्लगिंग करने से ऑन होता था, तो ये प्रॉब्लम हमारा 100% सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वायर ले लेना है आपको थोड़ा मजबूत टाइप का, उससे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे गाइस जो मैं वायर यूज कर रहा हूँ ये हमारे हेडफोन के वायर हैं। हेडफोन के वायर में कार्बन ऊपर की तरफ लगा रहता है, तो उससे अच्छी तरीके से कार्बन निकाल लेते हैं और थोड़ा वो मजबूत होता है। क्योंकि जम्फर वायर मारने से क्या रहता है गाइस, क्योंकि बैटरी पर लोड पड़ता है थोड़ा, तो जम्फर वायर जल जाता है, तो सेम प्रॉब्लम वापस ये फ़ोन में आ जाता है इसे। तो यहाँ पे जो है मैं इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इसे कार्बन निकाल लिया है। अभी जो है जहाँ से वो डाइवर्ट मैंने रिमूव किया था, वो डाइवर्ट के पास इसे अच्छी तरीके से आपको सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे गाइस ये फ़ोन का जो प्रॉब्लम था ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बैटरी रिप्लेसमेंट करना चाहते तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये गाइस जो ये प्रॉब्लम को मैं रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी का बैटरी है और कंपनी की बैटरी काफ़ी अच्छी चलती है। मार्केट की जो बैटरी कितनी भी अच्छी लगा लो उसमें थोड़े बहुत तो दिक्कत रहता ही है। तो यहाँ पे जो है मैं इसे अच्छी तरीके से जम्फर मार लेता हूँ और आपको जम्फर मार के दिखा भी देता हूँ और ये फ़ोन ऑन भी करके दिखाऊँगा। जो इसमें दो प्रॉब्लम था हमारा, एक प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से जो है मैं इसे अच्छी तरीके से पहले कटिंग करके बाहर निकाल लेता हूँ। और कभी भी गाइस अगर आप लोग ये काम करते हो तो काफ़ी सावधानी से करें, क्योंकि ये काम काफ़ी रिक्सी होता है बैटरी का काम करने के लिए। तो यहाँ से अपने हिसाब से सेफ्टी देके आप काम करें। तो मैंने यहाँ पे जो है वो जम्फर कंप्लीट कर लिया और बैटरी को जिस तरह मैंने ओपन किया था वापस से मुझे उसी तरीके से इसे फिटिंग कर देना है। तो देख सकते हैं मैं इसे किस तरह फिटिंग कर दिया हूँ। कभी भी गाइस अगर आप लोग ये काम करते हो, पहला तो सावधानी से करना और दूसरी बात ये है कि बैटरी को अच्छी तरीके से आपको फिटिंग कर देना है। तो यहाँ पे मैंने बैटरी को स्ट्रिप को लगा लेता हूँ और पहले इसका पावर बटन प्रेस करके ये फ़ोन जो है ऑन करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा ये बटन का भी प्रॉब्लम है, जिसको जैसे हमारा फ़ोन बूट मोड हार्ड रीसेट मोड पे चले जा रहा है। तो यहाँ से पहले मैं ये बटन को एक रिमूव करता हूँ, क्योंकि ये दोनों बटन में मतलब प्रॉब्लम है। ये फ़ोन में जो बटन का प्रॉब्लम आता है, वाटर डैमेज के कारण भी ये प्रॉब्लम आता है और काफ़ी पुराना हो जाता है। जो अंदर की हमारी टिकलियाँ होती है इसके अंदर मॉइस्चर पकड़ लेता है तो भी ये प्रॉब्लम बनता है। तो यहाँ से मैं एक बटन को रिमूव कर लेता हूँ। कभी भी गाइस अगर आप लोग ये बटन रिमूव करते हो तो आपको शोल्डर के ऊपर इसे रख के रिमूव करना है। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसे चिमटी से निकाल दिया हूँ, क्योंकि इसका मैं एकदम सेफ्टी से निकाला हूँ। तो यहाँ पे गाइस ये फ़ोन अभी चार्ज नहीं है, अभी मैं इसमें चार्जिंग प्लगिंग करके थोड़ा सा इसे चार्ज कर लेता हूँ और चार्ज कर लेने के बाद आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोन को मैंने ऑन कर दिया है। अभी ये ऑन होने के बाद जो है थोड़ा सा यहाँ से प्रोसेस लेगा, टाइम लेता है, क्योंकि वीवो का फ़ोन ऑलमोस्ट कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन होता है। तो देख सकते हैं गाइस अभी भी जो ये प्रॉब्लम बना हुआ है हमारा जो ऑन ऑफ की है, अभी हमें ये दूसरा वाला बटन को निकालना होगा। तो इसे गाइस मैं जो है शोल्डर पर गर्म करके निकालता हूँ। तो यहाँ पर गाइस ये फ़ोन हमारा कम्प्लीट ऑन है अभी, हाँ, क्योंकि मैं वापस से ये स्ट्रिप को बाहर निकाल दिया हूँ। देख सकते हैं ये कंप्लीट हमारा ऑन हो चुका है। अभी मैं इसमें से चार्जिंग को रिमूव करूँगा, जो ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा था, अभी देख सकते हैं ये फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। तो गाइस इसमें एक प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम अभी भी है, जो हमारा फ़ोन बूट मोड हार्ड रीसेट मोड पर जा रहा है। तो हमें जो ये ऑन ऑफ की जो है आपको चेंज करना है तो चेंज कर दो, नहीं तो इसे रिपेयर करना है तो आप रिपेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं इसमें चेंज नहीं करूँगा, मैं इसे रिपेयरिंग करूँगा। मैंने ऑलमोस्ट पहले से प्लस वाला बटन का बटन रिमूव कर दिया हूँ, अभी ये माइनस वाला बटन को भी रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे गाइस मैं इसे शोल्डर से रिमूव करूँगा, क्योंकि गाइस इसे किसी और टूल से निकालने में गाइस ये होता है कि इसका जो प्रिंट होता है काफ़ी नाजुक होता है तो डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस जो है मैं इसे शोल्डर पे रख के थोड़ा सा आपको एक दो मिनट वेट करना है, उसके बाद आपको गाइस चिमटी से इसे उठा लेना है। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो ये पूरी तरीके से हीट हो चुका है और कंप्लीट अभी निकलने लायक हो गया। तो यहाँ से जो मैंने इसे निकाल दिया, अब निकालने के बाद गाइस ये जो प्रॉब्लम था दूसरा हमारा बूट मोड हार्ड रीसेट मोड पे जा रहा था, ये प्रॉब्लम हमारा भी 100% सॉल्व हो जाएगा। तो कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास ऐसे प्रॉब्लम के जो फ़ोन आते हैं तो आपको इस तरह उसको रिपेयरिंग करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने दो बटन को निकाला
और ये जो बैटरी का डाइवर्ट था ये शॉर्ट किया। तो यहाँ पे मैंने कोई नया सामान नहीं लगाया, इसी सामान को रिपेयरिंग किया हूँ। आप नया लगाना चाहते तो नया लगा के भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोन को मैंने अभी ऑन कर दिया और ये कम्प्लीट ऑन हो चुका है। अभी इसका पावर बटन से जो वापस से मैं इसे स्विच ऑफ करूँगा और स्विच को ऑन करके आप लोग को दिखा दूँगा। ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं इस तरह का इस फ़ोन में आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पावर बटन को प्रेस कर दिया हूँ और इसके दो बटन वॉल्यूम के बटन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया हूँ। अभी ये कम्प्लीट फ़ोन ऑन हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो दो बटन मैंने रिमूव किया हूँ ये मार्केट में बटन मिलते हैं, इसे ख़रीद के आपको लगा देना है, आपका ये जो प्रॉब्लम था 100% सॉल्व हो जाएगा, पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा और किस टाइप का वीडियो आप लोग को चाहिए, कमेंट में ये भी लिख के बता देना। तो यहाँ पे गाइस फ़ोन पूरी तरीके से वर्क कर रहा था, जहाँ पे ये फ़ोन हमारा चार्जिंग में काम कर रहा था, चार्जिंग जैसे रिमूव करते थे ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था और जैसे ऑन होता था बूट मोड पे जाता था, ये प्रॉब्लम दोनों हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह गाइस जो ऑलमोस्ट कोई भी फ़ोन को रिपेयर करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।